भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही जो सीनियर लीडर्स हैं उनमें से एक है, जिन्होंने एज मिनिस्टर ऑफ डिफेंस भी काम किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में वाजपेयी जी की सरकार में। इन्होंने अपनी उत्सुकता जाहिर की है कि जिस तरह से सब लोगों को वैक्सीन लग रही है, तो जब मैंने इनको बात बोली है तो इमीडिएटली वो तैयार हो गए और सबसे मतलब जिसको सबको प्रोत्साहित कर रहे हैं कि सब लोग जो हैं वो वैक्सीन लगाएं, बिकॉज दिस इज़ नीड ऑफ द आवर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन ही इज़ 88 इयर्स ओल्ड और अपने आप को सबसे आगे करते हुए ये जो एक पब्लिक का जो पब्लिक के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आज के युग में, पोस्ट कोविड युग में, कि सबको वैक्सीनेशन होना चाहिए, तो ये एक किस्म से एक प्रमाण है आपके सामने कि इनकी जो उत्साह है कि ताकि इनको देख के मुझे लगता है कि सब लोगों को फटाफट अपनी वैक्सीनेशन करानी चाहिए। सर कितनी उम्र हो गई है? मैंने बोला आपको, जैसे मैंने कहा ही इज़ 88, ही इज़ रनिंग 88 ईयर्स। कोरोना वैक्सीन ड्राइव जो है हिंदुस्तान में चल रहा है, ये हमारे विश्व भर का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन ड्राइव है। उसमें पहले हेल्थ केयर वर्कर्स को दिया गया, फ्रंटलाइन वर्कर्स को दिया गया, अब हमारे जो 60 ईयर्स अब हमारे जो सीनियर वेटरन्स हैं उनके लिए ड्राइव शुरू है, प्लस 45 ईयर्स प्लस जो जिनको कोमॉर्बिडिटी है, कोई प्रॉब्लम है, उनके लिए वैक्सीन शुरू किया है। ये बहुत बड़ा संदेश है। आज हमारे यहाँ प्रोफेसर चमनलाल जी ने जो वैक्सीन लगाया 88 प्लस इनकी एज है, जब सीनियर सिटीजन का ड्राइव शुरू हुआ हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने वैक्सीन लगाया, ये देश भर में ये इन लोगों का ये जो एग्जाम्पल है बहुत बड़ा है कि जो लोग वैक्सीन नहीं लगा रहे, कोई हेल्थ वर्कर कुछ है या कुछ फ्रंटलाइन वर्कर जो वैक्सीन नहीं लगा रहे, डर रहे हैं, तो ये वैक्सीन हमारे साइंटिस्ट ने बनाया, हमें इस पर बहुत गर्व है और ये वैक्सीन सबको लगाना चाहिए। और ये भी एक देशभक्ति के एक कदम है कि हम अपने देश को कोरोना महामारी से बचाएंगे और ये एग्जाम्पल इस एज में आके ये लोग सेट कर रहे हैं और वैक्सीन लेके आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि सबको आगे आना चाहिए और सबको ये वैक्सीन लगाना चाहिए। कोई भी एक इंसान अगर रह जाएगा तो बीमारी ख़त्म नहीं होगी।